हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोज़ी क्रिएटिविटी। आज मैं बनाने जा रही हूँ अबाया का ड्रेस 4-5 साल के बेबी गर्ल के लिए। तो 2.5 मीटर फैब्रिक से हमने ये ड्रेस को रेडी किया है, तो वीडियो को स्किप ना करें बिकॉज़ हमने इजी तरीके से इसकी कटिंग, लाइनिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल बताया है। तो इसको बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, उसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। उसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ 30 इंच ले रहे हैं। उसके बाद कपड़े को 4 फोल्ड कर देंगे और जो हमारा सेंटर है वहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो 2.5 लेंगे और इसकी डिपनेस हम 4 इंच ले रहे हैं। बैक और फ्रंट दोनों में हमारा सेम है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेना है और यहाँ पर हमने 25 इंचेस पे इस तरह से राउंड में मार्किंग करनी है और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेना है। अब हमने नेक की भी कटिंग कर लिया है और जो हमारा नेक का शोल्डर है वहाँ पर हमने नोचेस लगा लेना है और ओपन करने पर देखिए इस तरह से आएगा। इसके बाद हमने जो हमारा इनर है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। उसकी कटिंग हमने नॉर्मल करना है और यहाँ से हमने आर्म होल जितना मार्किंग करना है और इस तरह से हमने जो सिलाई लगाएंगे वो फिनिशिंग वाला सिलाई उसकी मार्किंग करना है। तो फाइनली हमने जो हमारा इनर है उसकी भी कटिंग नॉर्मली कटिंग कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हमने नेक में सिलाई लगाना है, तो हमने जो नेचर्स लगाया है वहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और पूरे राउंड में हमने सिलाई लगाना है। उसके बाद हमने इसको सीधी साइड पलट देंगे। ये जो इनर है वो हमने सीधी साइड में ही रखकर सिलाई लगाना है। स्टिचिंग कर लिया है। उसके बाद जो हमारा बाजू है दोनों साइड में हमने उसको फोल्ड करके सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा इनर वाला फैब्रिक है उसको हम स्टिच करके फिनिश कर देंगे। तो हमने इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर लिया है। उसके बाद अच्छे से सेंटर में हमने अच्छे से रखना है और ऊपर में हमने फिनिशिंग वाला सिलाई लगाना है। तो उसके लिए हमने जो इनर वाला है उसके ऊपर साइड हमने मार्किंग करना है। उसके बाद हमने ये कुछ डिज़ाइन का फ्लावर्स लिए हैं, उसको हमने यहाँ पर इस तरह से पिनअप करके सेट कर लेंगे। उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे।